नमस्कार, आप देख रहे हैं दमदार समाचार लगातार। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की रविवार को तबीयत बिगड़ गई, लिहाजा उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। मुलायम सिंह यादव कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह को प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन ऑक्सीजन का स्तर कम होने के कारण उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट और चेस्ट में इन्फेक्शन होने पर आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। मुलायम सिंह यादव को फिलहाल मेदांता हॉस्पिटल में आईसीयू 5 में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। पिछले काफी समय से मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य खराब है। मुलायम सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी मिलने के बाद अखिलेश और डिम्पल यादव थी शिवपाल सिंह यादव भी मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुलायम यादव के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है।